हाय दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और ये मैं अपने पुराने वाले घर में हूँ और पास में नवीन भैया हैं, अपने बच्चों के कपड़ों को सुखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सामने नवीन को, क्योंकि ये हमारे नवीन पहाड़ी हैं, नवीन पहाड़ी भैया हैं। और कल करवा चौथ की वजह से घर आए हैं, क्योंकि ये गरोड़ी रहते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं वहाँ पर। और ये एक समाज सुधारक भी हैं, और ये हमारा घर है, आप देख सकते हैं। और ये लोग अपने कामों में लग गए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की शुरुआत तो काम ही से होती है। जो लोग गांव घरों में रहते तो उनका डेली का रूटीन काम ही है। और नवीन भैया कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलो नवीन भाई, बोल। हाँ ये नवीन भैया कुछ बोल रहे हैं, बताओ नवीन जी, आप बताओ। बोल ना यार, कुछ बोल। कब आए गरुड़ से? कल शाम को ना? ठीक रहा ना कल का व्रत? अभी जाता हूँ, भात खा के जाता हूँ गरुड़ को। अच्छा अच्छा, स्कूटी लाया क्या? अच्छा अच्छा, कपड़े धो दिए मैंने। है कपड़े धो दिए दुनिया भर के? कपड़े तूने थोड़ा धोए, मशीन ने धोए हो। ए बॉबी, बॉबी इधर देख तो। ए बॉबी आ चाहो। हाँ बॉबी भी नाराज चल रहा आज, पता नहीं क्या हो गया बॉबी को। और ये मेरे रास्ते का व्यू है, पास में ताई भी बैठी हुई है, पता ना क्या कर रही है। ये वोट क्या कहनी? क्या कहनी? तो आप कुछ ना कुछ कहनी चाहिए है। ये ताई भी कुछ काम कर रही है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ताई क्या कहनी तो बताते हो? जूस काक चीनी वो हाथ की भी थी। अच्छा, ये ताई ने जो मैंने परसों आपको दिखाए थे कागची नींबू, वही कागची नींबू है। और ताई सोची कि इसका कुछ जूस बना लें, तो ताई इसको अपने स्टाइल में ही इनको काट करके और इनका जूस निकाल ली है। और ये छोटा बच्चा ये तैयार हो गया। हाँ, और ये भैया तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे को स्कूल के लिए। और भाभी जी तो घास काटने चला गई है। दोस्तों कर दिया अब मैंने सफ़र शुरू। और वीडियो आपको कैसी लग रही है मेरी, जो पिछले वाले वीडियो थे और जो आज की वीडियो है, प्लीज़ बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। दोस्तों यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों वीडियो को। और मैं आप लोगों को गांव में जितने भी एक्टिविटीज़ या जितने भी प्रोग्राम होंगे, मैं आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से और अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊँगा। क्योंकि गाँव में पुराने ही रीति रिवाज चलते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग तो इसी से पले बड़े हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को गांव घरों की एक्टिविटीज़ और अपने लैंग्वेज में बोलना अपने लोगों से, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और तो हम लोग यहाँ पे गढ़वाली भी बोल लेते हैं और कुमाऊनी भी बोल लेते हैं, और हिंदी तो हमारी मातृभाषा हुई, तो ये दो तीन लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पे। और ये जो हमारा ये क्षेत्र है गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पे बसा हुआ है, तो इसलिए हम लोग दोनों कल्चर को फॉलो करते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं को। तो दोस्तों चल रहा हूँ मैं अपने रास्ते में, और भी कई व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। ये नीचे साइड में लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई हल बाह रहा है और कोई लोग घास काट के आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं नीचे खेतों में बैल हैं, और वहाँ पे लोगों ने खेत भी बा लिए हैं, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो गया तो लोग सुबह ही आ जाते हैं खेत बाने के लिए, क्योंकि फिर बाद में गर्म होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए लोग सुबह के ही टाइम पे अपने खेतों को बा लेते हैं। और पास में कुछ लोग घास को लेकर के गप भी लगा रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है वैसे तो इसलिए जो भी पल मिला इन लोगों को अपना इंजॉय भी कर लेते हैं और काम भी कर लेते हैं। तो नीचे से मौसी है, ऊपर से हमारी बहू है, गप लगा रही है। हाँ बहन नहीं हो क्या होने चाहिए है? निकालते हो? अच्छा ये
बहु है घास लेकर के, और नीचे मौसी है, मौसी भी उधर को जा रही है घास लेकर के। ये चाचा हैं, खेत से आगे हैं। चाची बैल ना कि क्यों कब है कोर्स शुरू? अच्छा बेबे ना जुल कती हो बहुत हुई ना पैर निकलू। अच्छा तो फिर वे बात दौड़ कब है पुताल बाल। चाचा काफ़ी आगे चला गए, चाचा ने सुना नहीं है तो। और चाची दे लिया हो गए और बाकी सब बड़े ना क्यों गील होना ना बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा अब थोड़ी बेहोल आज ना। अच्छा इतने चाचा है सुबह ही आ गए थे खेत में और बा करके चला गए, तो अब कल आएंगे चाचा। ठीक चा हाँ अच्छो ठीक चा। अच्छा दोस्तों मैं अब रोड में पहुंच गया हूं, और थोड़ा सा रोड से आ करके थोड़ा अच्छा लगता है चलने में और वीडियो बनाने में भी, क्योंकि ऊपर साइड थोड़ा अप डाउन है, अप डाउन की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती है और फिसलने का भी डर होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर मुझे अच्छा यहीं पे लगता है इस रोड साइड में, क्योंकि यहाँ पे फिसलने का थोड़ा कम चांसेस हैं। तो ये मेरे साइड में देख सकते हैं आप, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी हैं, और मैं अभी चल रहा हूँ रास्ते में हूँ, और मैं आपको ये पार साइड का भी व्यू दिखा देता हूँ। दोस्तों आज तो बिल्कुल आकाश क्लियर है, साफ है, और लोग पूरे अपने कामों में जुट गए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से इस बार जो गांव घरों के काम हैं वो काफ़ी लेट हो गए हैं, तो इसलिए धूप ने तो आज सभी लोगों को काम पर लगा दिया है। तो और कोई खेतों में हल बाह रहे हैं, कोई घास काट रहे हैं, और खेतों में कई अनाज वैसे ही रह गया है बारिश की वजह से। तो ये पार साइड का व्यू है, आप देख सकते हैं धूप से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिल्कुल चमक रहा होगा, बिल्कुल एक स्वर्णिम तारे की तरह सूर्य की वजह से। तो आप देख सकते हैं व्यू यहाँ से। दोस्तों कल रात तो आप सभी लोगों ने चांद को देखा होगा, पर मैं अभी वही चांद को आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब चांद जो कल रात वाला था अब धीरे धीरे ढलने को है। सामने आप देख सकते हैं टॉप के पीछे साइड में चांद है जो हमने कल देखा इतने बेसब्री से, तो आज मैं उसी चांद को सुबह के टाइम पे आपको दिखा देता हूँ। ये सामने चांद का व्यू भी है सुबह के टाइम पर। मैं अभी चल ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ये पार साइड का व्यू है, और ये रोड है हमारे गांव घरों की। तो आप देख सकते हैं जो मेरा डेली का रास्ता है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर है, और बहुत ठंडी हवा चल रही है आसपास में, क्योंकि बांज के पेड़ भी हैं, बुरांस के पेड़ भी हैं यहाँ पे, उतीस के पेड़ और चीड़ के पेड़ तो काफ़ी हैं यहाँ पे। सबसे अधिक मात्रा में चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, और ऊपर साइड में जो टॉप टॉप के क्षेत्र हैं यहाँ पे तो मिक्स फॉरेस्ट पाया जाता है, उसमें बांज बुरांस और तमाम सारे हरे पत्ते वाले पेड़ पौधे और चौड़े पत्ते वाले पेड़ पौधे मिलते हैं। तो ये पास का झरना है, अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे बारिश भी चला गई है और बारिश भी कम हो गई है। तो इसलिए ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वाटरफॉल है ये सीजनल है, जब बारिश होती है तभी यहाँ पे ये जो वाटरफॉल है इसमें पानी भरता है, और बरसात के दिनों में तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है इसका। तो दोस्तों ये आगे आगे बढ़ने पर ये पार साइड का व्यू है, आप देख सकते हैं बिल्कुल गांव और पार की जो पहाड़ियां हैं बिल्कुल
एकदम बहुत क्लीन और साफ लग रहे हैं। बुबू जी नमस्कार। और बढ़िया, ये बुबू जी बैठे हुए हैं और बकरियों के साथ साथ में हैं और धूप का आनंद भी ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बुबू जी को। और ये मैं काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ, वहाँ से ये व्यू है पार साइड का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारा कुछ दिखा दिया है, गांव के एक्टिविटीज़, लोग किस प्रकार से अपने काम में लग जाते हैं, और इन पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये मानव के यहाँ के जो लोग हैं उनके दिनचर्या को भी काफ़ी प्रभावित करते हैं, क्योंकि कल परसों एक हफ्ते से बारिश थी तो लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि बहुत बारिश होती यहाँ पे। जो हमारा ये वाला एरिया है, बहुत बारिश होती है, क्योंकि इसकी प्राकृतिक बनावट और प्राकृतिक बसावट बहुत बारिश के लिए जानी जाती है। तो एक हफ्ते से लगातार बारिश थी, अब आज दो तीन दिन से धूप है, तो लोग अपने कामों में लग गए हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी दीपावली तक लोग अपने सारे काम निपटा देंगे। तो दोस्तों, आप ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अपने कमेंट में बताना। तो आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।